एक तारीख को भोजपुर में एक सूचना आई थी कि एक गन्ने के खेत में एक मृत व्यक्ति पड़ा हुआ है। इस सूचना पर जब स्थानीय पुलिस वहां पर पहुंची और उसकी छानबीन की तो पता चला कि एक विद्यापुर गांव का नरेश नामक लड़का जो है वह 27 तारीख से मिसिंग है। उससे परिजनों बुलाया गया, पहचान कराई गई, परिजनों द्वारा उसे पहचाना गया। उसके बाद जब छानबीन की गई पता चला कि वहां पर एक बाइक भी पड़ी हुई है गन्ने के खेत के पास ही। बाइक के पास एक वोटर आईडी पड़ी हुई थी जो पट्टी गांव के सत्येंद्र नामक व्यक्ति थी। उससे बुला के पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मेरी वोटर आईडी जो है करीब 5-6 साल पहले हापुड़ में मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हुआ था वहां पर गिर गई थी, मिसिंग हो गई थी। फिर उससे जब पूछा गया कि फिर आप वोट वगैरह कैसे डालते हैं तो उसने कहा मैंने दूसरी बनवा ली है। दूसरी जब उससे मांगी गई तो वो भी उपलब्ध नहीं करा सका, तेंदुए की भूमिका तो नहीं पाई गई। लेकिन जो और छानबीन गहराई से की गई गाँव में और पूछताछ की गई पता चला कि इसके एक लड़का है और इसका एक भतीजा है और इसका एक भांजा है। ये तीनों रात में घर पे नहीं थे। इन लोगों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा हम लोग रात में रात भर घर पे थे, लेकिन सीसीटीवी कैमरे और उनके लोकेशन रात का विवरण उनको दिया गया तो इन लोगों ने स्वीकार किया कि हम लोग आए थे। हमारा एक मित्र था विजय जिसके पेट्रोल खत्म हो गई, पहले इसकी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए उसकी गाड़ी खींच कर आए हम लोग। इसके बाद फिर इससे रास्ते में टकराहट हो गई थी जिसमें हम लोगों ने ईंट मार दी थी इसको, और इसी दौरान जब वो गिर गया तो उसको गन्ने के खेत में खींच के हम लोगों ने कर दिया था, उसकी बाइक भी वहां पर गिरा दी थी। इस प्रकार से इस घटनाक्रम को उन्होंने स्वीकार किया, इनको हिरासत में ले लिया गया है और इनको अग्रिम विधिक कार्रवाई की।